कि हाउ टू मेंटेन योर बाइक, तो मेंटेन आप कैसे रख सकते हो अपनी बाइक को, मतलब और आप अगर पेंडिंग छोड़ दोगे तो खर्चा बढ़ेगा। देखो भाई क्या स्पीड पकड़ती है ये, देखो। वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। तो भाई पैंथर्स की जगह ना मेरे को शायद ऐसा लगता है BMW लवर्स ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अपनी पैंथर को अपन ने BMW में कन्वर्ट कर दिया है। तो और कैसी लगी भाई, आप लोगों ने कमेंट भी नहीं करा तो कमेंट कर दो यार। कब कमेंट करोगे, कल करोगे क्या है? तो कमेंट कर दो यार जल्दी से, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल, बहुत नीड है मेरे को सब्सक्राइबर्स की, जल्दी से 1 लाख पहुँचना है। और उसके बाद कुछ अलग डिफरेंट भी करना, तो आप लोगों के लिए बस डिफरेंट मैंने बहुत कुछ कर दिया है ऑलरेडी, बट मैं सोच रहा था कुछ और डिफरेंट करता हूँ। तो चलो भाई अभी ना मैं चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, अजय भाई के पास जा रहा हूँ, थोड़ा सा चैन लूज है इसको दिखाने का मेरे को, और उसके बाद आज आपको एकदम मस्त सी राइड दिखानी है। तो एक बार यार मेरे को चैन जब लूज रहती है ना, राइड दिखाते दिखाते ना ये भी बताऊंगा आपको कि हाउ टू मेंटेन योर बाइक, तो मेंटेन आप कैसे रख सकते हो अपनी बाइक को, मतलब अपने हिसाब से, जो मैं मेरे तरीके से रखता हूँ, क्योंकि मेरी बाइक को लगभग 1 साल हो गया यार, 1 साल के ऊपर कोई भी ऐसी खास मिस्टेक नहीं दिखाई है, क्योंकि मैं अपनी बाइक को भाई ऑल टाइम मेंटेन रखता हूँ। तो मेंटेन आप कैसे रख सकते हो वो भी बता देंगे। ये निकलेगा, इससे पहले अपन निकल जाएंगे, देखा भाई मैं मेंटेन तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अब जो मेरे को इसको चलाने में फील आने लगा है ना भाई साहब, एकदम रॉकेट की तरह जाती है, रॉकेट की तरह, लिटरली रॉकेट की तरह जाती है भाई साहब अपनी बाइक। तो बहुत मज़ा मेरे को अभी आने लगा भाई इसको चलाने में, तो उस हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा धीरे धीरे। देखो सबसे पहले बाइक में रहता है भाई आप अपने चलाने का तरीका थोड़ा मतलब सही करो, हाँ भगाओ रफ चलाओ जैसा आपका मन कर रहा वैसा चलाओ, लेकिन उसको ना उस हिसाब से टाइम टू टाइम भाई सबसे पहले आती है मेंटेन में, सबसे पहले आती है कि सर्विस टाइम टू टाइम आप करवाओ। अगर आप यामा की बात कर रहा हूँ, अगर आप यामा से सर्विस करवाते हो तो अपर 3000 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी सर्विस आ जाती है, हर 3000 रुपये इसकी एक सर्विस होती है। तो मेरी लगभग 4 सर्विसें हो चुकी है, अब इस हिसाब से आप देख सकते हो भाई कितनी मेरी चल चुकी है, ठीक है। तो सर्विस भाई टाइम टू टाइम करवाओ, सर्विस अगर आप टाइम टू टाइम करवाओगे तो आपकी बाइक, सबसे बड़ी बात है ये सर्विस की, तो आपकी बाइक ना टाइम टू टाइम जो है मेंटेन रहेगी। फिर आप तभी तभी जो है आप ऐसे कट मार पाओगे। जो है चल सकते भाई, ये इनसे थोड़ा बच के एकदम से ऐसे घुमाते ना, दिक्कत होती है। तो सबसे पहली बात अपन ने भाई करी ली सर्विस की, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, सर्विस के बाद जो इसमें आता है टाइम टू टाइम आपकी जो चैन है ना उसमें आप ल्यूब करते रहो, या तो या फिर अगर आप ल्यूब मतलब नहीं कर सकते तो आपके पास ऑयल जो रहता है ना, ऑयल आप इसके ऊपर डाल सकते हो चैन के ऊपर। तो दूसरी बात कुछ ये हो गई, चैन ल्यूब टाइम टू टाइम करो, क्योंकि अगर वो सूखी चलेगी तो आपके चैन चक्के जल्दी से जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी मेरी 15-16 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो चैन चक्के अभी ठीक है मेरे, क्योंकि टाइम टू टाइम मैंने ल्यूब करा था। और ना वो ख़राब होता रहेगा, स्क्रू हो गया, कुछ पार्ट्स हो गया, जैसे टूट गया फूट गया कुछ भी हो गया, तो फिर जितना आप लेट करोगे ना उसको उतना फिर आपको गधा है उसको उतना फिर आपको ना दिक्कत होने वाला है उसमें, वो फिर जितना हिलेगा जितना फिर वो ना आगे जाके ख़राब ही होता जाएगा। तो अभी 3 बातें मैंने बता दी, और सबसे चौथी बात जो कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, ठीक है, अपनी बाइक को 100 रखो, 100 रखोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ आपको हर चीज़ें पता रहेगी अपनी बाइक के बारे में। अगर आप जैसे 100 का मतलब ये नहीं कि हाँ घर वालों को भी मत दो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, मतलब कोशिश करो कि ज़्यादातर आपकी बाइक आप ही चलाओ, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर जैसे मान लो किसी को दे दिया, दोस्त को दे दिया 4-5 दिन के लिए, तो फिर वो आने के बाद आपको ये नहीं पता रहेगा कि इसमें दिक्कत क्या है। ओह पूरी BMW की फील दे रही है भाई साहब,
ऐसा लग रहा है कि हाँ लिटरली BMW ही है अपनी तो बाइक, तो BMW से कम है क्या भाई, कंपेयर कर लो भाई जिसको जिस। और मैं बता रहा हूँ रेस में आ जाओ भाई, किसी भी MT को ले आओ इसके टक्कर में, पता नहीं क्या ही पावर इसमें आ रखी है, वो तगड़ी वाली पावर आ रखी है। एक मिनट रुक, ये लो है भाई, ठीक है डालूंगा मैं YouTube पे, बोलना मत ये क्यों डाल दी, ये तो बन रही है। हो गई, सूखी चल रही है यार। अब तू ऑयल भी डालो, अपने को चेन में ऑयल करवाना था तो अपना चेन का ऑयल हो गया कंप्लीट। तो भाई सारी बातें तो लगभग मैंने बता दी हैं आपको ना, मेंटेन कैसे रखे भाई, डेली अपन चेक करते रहो अपनी बाइक में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हाथों हाथ काम करवाओ, उससे क्या रहेगा, उससे ये रहेगा कि आगे खर्चा बढ़ेगा नहीं हाथों हाथ काम करवाने में तो, और आप अगर पेंडिंग छोड़ दोगे तो खर्चा बढ़ेगा। देखो भाई क्या स्पीड पकड़ती है ये, देखो देखो भाई क्या स्पीड पकड़ती है लिटरली, ज़्यादा हो रखे तो भाई लीगल काम मत करो, स्टंट विस्टंट मत मारो, जो भी मारते बंदे मैं तो यही सजेस्टन करूँगा, बाकी तो भाई मर्जी है आपकी, क्योंकि पुलिस वाले जब पकड़ेंगे तो दिक्कत आपको ही होने वाली है, ठीक है, तो स्टंट विस्टंट मत मारो भाई, मार रहे हो तो फिर आप पूरा सेफ्टी से या खाली रोड पे कुछ कर लो जो भी करना है आपको, बाकी तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कभी भी स्टंट मारने का। यहाँ से थोड़ा सा हमेशा इस रोड पे भगाता हूँ मैं, यहाँ से 2-3 कांडे हो लिए मेरे, लेकिन यहाँ जो पता नहीं क्यों अपनी MT जो भागती है ना भाई साहब, मैं तो ये बोलता हूँ आप कोई सी भी गाड़ी ले आओ, लिटरली कोई सी भी गाड़ी लिख के आ जाओ, मजा आ जाएगा। अभी मैं लीन वीन नहीं मारूंगा भाई, क्योंकि टायर मेरा ऐसे थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो लीन वीन तो मारने से मैं रहा, लीन मत मारो। अरे भाई बकरियाँ बिक्रियाँ हैं तो बकरियों बिक्रियों से एकदम ऐसे अचानक से आती है, तो बकरियों के रोड पे कुछ रहता ना, थोड़ा सा स्लो चला लो इससे अच्छा। अब वैसे ना मेरा अगला टायर थोड़ा सा ना बबलिंग भी मारता कभी कभी, मतलब ऐसे मेरे को फील होता है, क्योंकि इसके उसमें क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा बैंड है किसमें, रिम में, एलॉय में हल्का सा बैंड है, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि उस वजह से बैंड बबलिंग मारता है, बट चेक करवाना पड़ेगा, या तो उसको अपन सीधा करवा लेंगे और नहीं तो फिर चेंज होगा भाई अपना एलॉय। खर्चा है कम से कम 6,000 रुपये का आता है एलॉय, मीमर और बीमर यार इसका ना। हाँ एक बंदे ने मेरे को सजेस्ट करा था बीमर, क्या बीमर अच्छा नाम है क्या, बोलते हैं BMW को बीमर ही बोलते हैं। कैसे लग रही है बाइक, कैसे लग रही है, सही बता, मस्त लग रही है, सही लग रही है, मस्त लग रही है ना एकदम, चल ठीक है। तो भाई ये वाला फैन हो गया मेरी बाइक का ये छोरा। तो ये अपनी ऑल ओवर बाइक अपने को, आपको कैसी लगी भाई साहब, कमेंट भर दो भाई कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बाकी ना इसमें ना देखो मेरे को छोटी छोटी जो कमियाँ हैं वो दिख रही थी बाद में, देखो यहाँ पे ये वाला चेंज करवाना था, ये भी अभी बच रहा है, तो इस पर भी अपन अभी काम करवाएंगे थोड़ा सा। और इसमें देखो हवा आ गया, मैं टायर में थोड़ी सी शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कम है, तो कोई नहीं भाई कोई नहीं, पैंथर्स एक बार, अभी इसका ना लुक बहुत प्यारा आ रहा है,
तो इसको तो भाई ऐसे रखता हूँ मैं, ऐसे 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 नहीं, ऐसे रखता हूँ इसका, ऐसे अपने कलेजे के लगा के रखता हूँ भाई इसको। बहुत प्यारी चीज़ है भाई, बहुत मेरा लकी सिस्टम है ये। अरे यार ये देखो चैन में यार, इसमें ना मेरे को ऐसा लग रहा है फिर यार हवा कम है यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हर बार इसमें हवा कम है हवा कम है। अब मेरे को भरवानी पड़ेगी, ये देखो जब ऑयल दिलवाया ना, डलवाया मेरे तो ये देखो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये क्या ऑयल है इस पे आ जाता है। अरे यार मेरे को ना इसमें हवा कम है यार, हवा कम है इसमें, सच में हवा कम है। अरे यार भरवानी पड़ेगी इसमें हवा, चलो कोई नहीं हवा डलवा लेंगे। बाकी भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर देना भाई, और चैनल पर तो सब्सक्राइब मार देना, तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोज ऐसी अमेजिंग वीडियोज आप लोग के लिए लेके आता रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेफ राइड।